30,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनकी एक बार फिर से जो उनको लेकर जो है वो बैठक यहाँ पर होगी। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक अभी 18 तारीख को प्रस्तावित है, कैबिनेट की बैठक। उस बैठक में अभी आउटसोर्स को लेकर क्या कुछ किया गया है उसकी रिपोर्ट जो है वो कमेटी अपनी सौंपने जा रही है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि जितना भी अभी तक जो खाका तैयार किया गया है इस कमेटी द्वारा, उसकी जानकारी वहां पर कैबिनेट में रखी जाएगी, वहां पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी और बताया जाएगा कि उन्होंने अभी तक क्या कुछ किया है। अभी फिलहाल सिफारिशें इस कमेटी की तैयार नहीं हुई है, उसके लिए और समय जो है इस कमेटी को दिया जाएगा, क्योंकि राज्य स्तर पर कमेटी गठन का काम इन जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनको कहा गया था कि वो राज्य स्तर पर अपनी एक कमेटी का गठन करेंगे, उनसे ही सरकार की कमेटी जो है वो बातचीत आगे करेगी। तो उस कमेटी के गठन की प्रक्रिया चल रही है पूरे प्रदेश से, उसमें जो है वो नुमाइंदों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको सामने लाया जाएगा, वो आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को लेकर जो है वो बताया जाएगा, जो प्रदेश की कैबिनेट सब कमेटी है वो बताएगी कि अभी तक जो है वो क्या कुछ निष्कर्ष यहाँ पर निकला है। तो उम्मीद है कि स्थायी नीति की ओर जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार आगे बढ़ेगी और जल्द से जल्द इन कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा यहाँ पर मिल सकेगा, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आर्थिक हालात खराब होने के बावजूद इतने बड़े ऐलान कर रहे हैं, तो उससे साफ है कि कर्मचारी वर्ग को लुभाने, उनको जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए भी सरकार कोई ना कोई कदम जो है यहाँ पर जरूर उठाएगी और बड़े फैसले यहाँ पर आने वाले दिनों में लिए जा सकते हैं। तो बड़ा मामला है आउटसोर्स कर्मचारियों का भी, इसके साथ साथ जो